नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। बचे हुए 3 महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप सबके लिए कैसे रहेंगे, चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ साथ चर्चा करेंगे कि दीपावली, धनतेरस पर आपको क्या क्या खरीदना है और किस तरह से आपने पूजन करना है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा बीच में, जिससे आप पूरी वीडियो का जो सार है वो समझ पाएँ और कहीं ना कहीं स्थितियों को अपने अकॉर्डिंग लेकर आ पाएँ। अक्टूबर का महीना आपके लिए काफ़ी हद तक परिवर्तन लेकर आएगा और कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में एक तरीके की सौम्यता आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। निजी जीवन में कहीं ना कहीं आपके सौहार्द आएगा, नई ऊर्जा का संचार होगा और पिछले दिनों जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहीं कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। शनिदेव और बृहस्पति देव अपनी भूमिका बदल लेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूलता आती हुई दिखाई यहाँ पर देती है। व्यक्तिगत रूप से किए हुए कार्य यहाँ पर आपको अच्छे लगेंगे और कहीं ना कहीं अगर आप अविवाहित हैं तो यहाँ पर अच्छे रिश्तों की की स्थिति आपकी बन सकती है। बात यहाँ पर निश्चित रूप से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। इस महीने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप पेश आएंगे, लव रिलेशनशिप्स आपकी यहाँ पर अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। अगर आप सिंगल हैं और प्रेम के बंधन में बंधना चाहते हैं तो ये संबंध स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन एक सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी कि अपने आप को ज़्यादा मैं कहूँगा कि ज़्यादा विश्वास करके दम से ना चलाएं तो बेहतर आपके लिए रहेगा। अब बात कर लेते हैं रिश्ते नातों की कि नवंबर में स्थितियाँ कैसी हैं, कि नवंबर में आपकी क्या स्थितियाँ बनती हुई दिखाई यहाँ पर देती हैं। देखिए, नवंबर का महीना थोड़ा सा आपके लिए कामकाज वाला रहने वाला है, इसलिए आप प्रेम संबंधों पर उतना ध्यान यहाँ पर नहीं देते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं उचित साहित्य पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा इंक्लूड करते हुए दिखाई देते हुए दिखाई देंगे, लेकिन काइंड नेचर हो सकता है आपकी आपको परेशानी में डाल दे, इसलिए सिर्फ उदारता उतनी ही दिखाएं जितनी की ज़रूरत है। ज़्यादा उदारता के चक्कर में अपनी स्थितियों को ख़राब कर सकते हैं आप। प्रेम संबंधों के लिए सुधार का समय रहेगा और कहीं ना कहीं संबंध लगातार सुधरेंगे और आप दोनों के बीच में जो प्रेम है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपका जनसंपर्क तेज़ी से बढ़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं नए लोगों से मुलाकात आपकी होगी और कहीं ना कहीं इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ भी होते हुए यहाँ दिखाई देंगे। वहीं लास्ट महीना दिसंबर का महीना प्रेम संबंधों के लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा, घर परिवार के लिए अच्छा रहेगा और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो अभी हमारे भाई या बहन जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तीनों के लिए प्रेम संबंधों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं आप एक निर्णय लेने की कगार पर आते हुए दिखाई देंगे। व्यक्तिगत जीवन की अगर और बात करूं तो राशि से तीसरे भाव में महीने के उत्तरार्ध में कई ग्रहों का एक साथ होना आपको बड़े परिणाम दे सकता है और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण निर्णय को आप अंजाम दे सकते हैं। ये उचित समय है जब आप महत्वपूर्ण जोखिम वाले कार्यों को यहाँ पर संपादित करें, क्योंकि आपकी सहयोग में कहीं ना कहीं कोई कमी यहाँ पर दिखाई नहीं देती। जीवन साथी भी आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हुए दिखाई देते हैं, तो तीनों महीनों में आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं आपके कैरियर की, बात करते हैं आपके व्यवसाय की। अक्टूबर का शुरुआती दौर थोड़ा सा खर्चा करने वाला होगा, लेकिन आपके आय में भी यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। संतान से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा, जीवन साथी भी आपको आपका हाथ बटाते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। कार्य कामकाज में सौंदर्य के पक्ष पर यानी कि आप रूप सजावट ध्यान देंगे और कहीं ना कहीं कुछ अल्ट्रेशन अपने दुकान या अपने काम करने के तरीके में कर सकते हैं। नौकरी करते हैं तो यहाँ पर आपको बड़े लोगों की यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन प्राप्त होती हुई दिखाई देगी, आपके काम में निखार आएगा। महीने का दूसरा सप्ताह भी आपके लिए अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। अब समय ऐसा आ गया है कि जो आपके राशि से भ्रमण कर रहे हैं ग्रह वो आपको बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर ये महीना अक्टूबर का आपके लिए आय बढ़ाने वाला होगा और जीवन साथी के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध यहाँ पर स्थापित होता हुआ दिखाई देगा। वहीं नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा, दैनिक आय में वृद्धि होगी, कामकाज का विस्तार होगा, नए नए लोगों से मिलेंगे। महीने का दूसरा सप्ताह भी आपके लिए अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। नौकरी वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जो भी काम करें वो लिखित में करें, वर्बली कोई काम ना करें यानी कि मौखिक रूप से कोई काम ना करें। देखिए, अगर आपके कोई कानूनी विवाद चल रहे हैं नौकरी में तो उनको हल करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। बॉस के साथ समझौता कर लें तो बेहतर आपके लिए होता हुआ दिखाई देगा। वहीं दिसंबर का जो महीना होगा उसमें थोड़ी सी भागदौड़ आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी भागदौड़ आप करेंगे उतना आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। भूमि भवन से संभावनाएं आपकी बन रही हैं, लेकिन थोड़ा सा समय अभी लग सकता है जब आप अपने आप को पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर पाएँ। चिंता मत करिए, फरवरी आते आते तक स्थितियाँ आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। महीने का तीसरा सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा,
आपका वर्चस्व बढ़ेगा और कहीं ना कहीं नौकरी में भी आपको अच्छे यहाँ पर स्थिति प्राप्त हो सकती है। धन लाभ की स्थिति यहाँ पर बराबर बनी रहेगी। धन लाभ की अपॉर्चुनिटी यानी कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी हद तक आपको बीच बीच में मिलती रहेगी। बस आपको ध्यान देना है कि आप उनको बिल्कुल समय से रहते आप उन्हें पकड़ लें। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं कि अभी ये जो वीडियो है ये ख़त्म नहीं हुआ है और इसमें अभी आपको धनतेरस और दीपावली के बारे में मुझे बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अक्टूबर का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक इत्यादि करने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा वज़न यहाँ पर बढ़ता हुआ मुझे दिखाई देता है। वही नवंबर की स्थिति आपके लिए बेहतर अच्छी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य संबंधित माइनर सी दिक्कतें हो सकती हैं, जिसको आप घरेलू उपचार से भी ठीक कर पाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे और कोई बड़ी बात यहाँ पर होती हुई दिखाई नहीं देती। जितना हो सके शाकाहारी खाना खाएं, साग सब्जियाँ खाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बदलता हुआ मौसम आपको कुछ दिक्कतें दे सकता है। वहीं अगर आपके बात करूं लास्ट महीने की, तो यहाँ पर आपका अच्छा रहेगा। घर में आयोजन और मंगल कार्य होते हुए दिखाई देंगे। अत्यधिक काम करने से कुछ ना कुछ आपको थकान ज़रूर होगी। दिन छोटे हैं, काम आपको काफ़ी बड़े बड़े करने हैं, तो कुल मिलाकर तीनों महीनों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली बीच में पड़ेगी तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बताऊं कि दीपावली धनतेरस पर आपको क्या खर्चा करना है। तुला राशि वालों, सौंदर्य का सामान, चांदी के बर्तन, सिक्के या सोने का सामान या कोई सजावटी सामान खरीदना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए भाग्यवर्धक साबित हो सकती हैं। इसके अलावा आप चांदी का षडयंत्र या आभूषण या सिक्के खरीद सकते हैं धनतेरस पर। वहीं दीपावली पर आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तुला राशि के जातकों को दीपावली के दिन षडयंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। इससे सभी प्रकार के दुख, रोग व दरिद्रता का नाश होता है और सभी तरह के भौतिक सुख और शांति प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दीपावली पर सूर्य मंत्र या मंगल मंत्र को अभिमंत्रित कर घर के मंदिर में एक वर्ष के लिए स्थापित करें। नित्य दर्शन और पूजन करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और कहीं ना कहीं जो खोया हुआ यश है वो आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, एक छोटी सी थी वीडियो जिसमें मैंने बताया आपको कि किस तरह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है आने वाले 3 महीनों में, और साथ साथ आपको दीपावली पर और धनतेरस पर क्या क्या खरीदारी आपके लिए शुभ है। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आपके कमेंट का इंतज़ार रखूँगा और कोशिश करूँगा कि अपने आप को और आपके लिए बेहतर बना पाऊँ और आपको समय समय पर आकर कुछ नया बता पाऊँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा लाइक और डिसलाइक के रूप में, साथ साथ कमेंट के रूप में। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को दबाते रहें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और एनालिसिस के लिए दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। ध्यान रखें, एनालिसिस पेड रहते हैं, इसकी निश्चित फीस आपको देनी होती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।